हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ कि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो अपडेट नहीं किया है यूट्यूब के ऊपर। तो आज मैं एक केस स्टडी लेके आया हूँ जिसके अंदर एक मॉडल है हमारे पास जो कि M127F, जो कि सैमसंग का मॉडल है, M12 जिसे कहते हैं। इस मॉडल के अंदर कुछ अलग प्रॉब्लम दिखा तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना के इसका मैं जो है आपको एक सॉल्यूशन जो है वो दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से ये प्रॉब्लम है और किस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को फाइंड करके कैसे इसको सॉल्व किया। तो जनरली कंडीशन ये होती है कि सैमसंग के बहुत सारे साइट ऐसे हैं कि जिसके स्कैमेटिक आप लोगों को नहीं मिलते हैं, यानी कि हमारे पास नहीं अवेलेबल है। तो ऐसी चीज़ों में हम लोग इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो फ़ोन है ये एकदम डेड कंडीशन के अंदर है, यानी कि इसके अंदर कोई पावर ऑन नहीं हो रहा है फोन। और जब डीसी मशीन पे इसको चेक किया हमने तो ये कुछ 30 जैसी रीडिंग लेता है, और जब पावर की इसकी जब हम रिलीज करते हैं तो ये बिल्कुल जो रीडिंग है इसका वो 0 हो जाता है। यानी कि जनरली इसके अंदर कुछ पावर सप्लाई का फॉल्ट जो है वो हमको लग रहा था। तो इसमें हम बिना डायग्राम के इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो ये चीज़ जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम फोन को देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और फिर हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो, ये सेट है जिसको हमने डीसी मशीन से कनेक्ट किया है, और जब इसकी पावर की को हम प्रेस करते हैं तो इसके अंदर देखिए ये जो है वो 30 के आसपास कुछ रीडिंग लेता है। 29-30 के आसपास, देखिए 29 पे स्टक हो गया। जैसे ही हम पावर की को हटाएंगे ये 0 हो जाएगा। वापस से करते हैं हम इसको, और जैसे ही चिमटी को हटाया तो वहाँ पे 0-0 हो गया। यानी कि डेफिनेटली ये पावर आईसी या फिर सीपीयू के बीच का जो कनेक्शन है, यानी कि जो सप्लाई है, वो मिस हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। एक बार हम यूएसबी टेस्टर लगा के भी देख लेते हैं। हालांकि यूएसबी में ये कोई सप्लाई जो है वो नहीं ले रहा है, तो यूएसबी के अंदर भी कोई सप्लाई है, वोल्टेज वगैरह नहीं ले रहा है, बिल्कुल 0-0 है। तो अभी हम पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं और कैसे इसको रिपेयर करना है, तो मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले इसका स्कैमेटिक तो नहीं है, लेकिन इसका जो सर्विस मैनुअल है उससे हम समझते हैं। तो दोस्तों, इसका स्कैमेटिक तो नहीं है, लेकिन इसका सर्विस मैनुअल जो है वो हमें दिया गया है। और सर्विस मैनुअल के अंदर इसकी जो पावर सीक्वेंस होती है वो भी दी होती है, और उससे हम फॉल्ट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी सर्विस मैनुअल में से हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Level 3 रिपेयर, और ये जो है पावर ऑन, यानी कि अगर आपका फ़ोन के अंदर पावर ऑन नहीं हो रहा है तो आपको वन बाय वन जो है वो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है मोबाइल फोन डज नॉट पावर ऑन, यानी कि आपका फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर यस, यानी कि नहीं हो रहा है, तो आपको ये वाला स्टेप लेना है। लिखा हुआ है चेक द बैटरी वोल्टेज, इज इट मोर देन 3.8 वोल्टेज, यानी कि आपको बैटरी को चेक करना है जो कि आपका 3.8 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं है, अंडर 3.0 है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बैटरी चार्ज या बूस्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये सारी कंडीशन जो है हमारी वो ओके है, तो हमें नेक्स्ट कंडीशन में जाना है, यानी कि बैटरी जो है हमारा वो सही है। तो हम बैटरी पे डाउट नहीं कर सकते क्योंकि बैटरी का वोल्टेज हमने चेक किया हुआ है और बैटरी जो है हमारी सही है। तो फिर दूसरा जो इसका स्टेप है ये है कि पावर ऑन द फोन एंड चेक द पावर ऑन साउंड और मोर वाइब्रेशन साउंड और वाइब्रेशन इज ओके। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्क्रीन जो है उस पर कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन इंटरनली जो है वो फोन ऑन होता है, क्योंकि वो डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है। तो ये स्टेप इन्होंने दिखाया है। अगर ये सब चीज़ होती है तो आपको डिस्प्ले चेंज करना है, और ये नहीं होता है तो आपको आगे बढ़ना है। लिखा हुआ है चेक द वोल्टेज लेवल एट R308, क्योंकि इसके साथ इसका जो है वो एक लेआउट जो है वो लगा रहता है, तो लेआउट के अंदर आप कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। और वहाँ पे लिखा हुआ है वाइल प्रेसिंग द पावर की इज द वोल्टेज हाई, यानी कि यहाँ पे आपका लॉजिक लो से लॉजिक हाई का, यानी कि बेसिकली ये आपका पावर ऑन का दिखा रहा है कि आपका पावर ऑन की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो रिप्लेस द फिंगरप्रिंट सेंसर FPC, यानी कि आपको ये जो पावर ऑन की है उसको चेंज करना है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो सारे वोल्टेज चेक करने हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है,
यू 5000 ये जो है इसकी आईसी है और इस आईसी की इतनी इतनी सप्लाई है जो कि आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है एल 5001 जहाँ पे आपको 0.75 वोल्टेज मिलेंगे, एल 5002 यहाँ पे 0.75 वोल्टेज मिलेंगे, एल 5003 है जहाँ पे 0.75 मिलेंगे, एल 5004 है जहाँ पे 1.35 वोल्टेज मिलेंगे और एल 5006 है जहाँ पे आपको 2 वोल्टेज मिलेंगे। यानी कि बेसिकली ये हमें बक सप्लाई जो है वो चेक करने को कह रहा है, तो हमें बक सप्लाई सबसे पहले चेक करनी पड़ेगी। और इसके अंदर हम देखें तो जितने भी 1 वोल्टेज के नीचे की सप्लाई होती है वो हमेशा सीपीयू के लिए होती है। जैसे यहाँ पे 0.75 लिखा है और यहाँ पे भी 0.75 लिखा है, यहाँ पे भी 0.75 लिखा है, तो ये सारी वोल्टेज जो है वो बेसिकली आपके सीपीयू के लिए है जो कि आपके फ़ोन को बूट होने के लिए ज़रूरत है। और ये 135 जो है वो आपका लोअर एलडीओ की सप्लाई है और जो 2 वोल्टेज की सप्लाई है वो आपका हायर वोल्टेज की सप्लाई है। यानी कि कुल मिला के इतनी आपको बक और एलडीओ सप्लाई बनने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको इतनी सप्लाई जो है वो ओके करनी पड़ती है। तो हमने पीसीबी के अंदर देखा तो यहाँ पे बेसिकली पहले तो शील्ड लगा हुआ है, तो इस पतरे को हम निकालते हैं और यहाँ पे जितने भी कॉयल है इस कॉयल पे हम पावर सप्लाई जो है उसको हम वन बाय वन चेक करेंगे। तो बेसिकली हमको पहले तो यही स्टेप लेना है, अब फिर आगे अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इसके नीचे है दूसरे स्टेप जो हमको लेने हैं। पहले बेसिकली इतनी सप्लाई चेक करनी है, वोल्टेज लेवल 10% प्लस माइनस यहाँ पे मार्जिन जो है वो चल सकता है आपको। अगर फिर नहीं होता है तो आपको पावर आईसी के बगल में जो आपका ऑसिलेटर लगा रहता है वहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनती है वो आपको चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं वह फिलहाल स्टेप बाय स्टेप करनी है, लेकिन हम लोग एक 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 स्टेप करते जाएंगे और उसको चेक करते जाएंगे तो वैसे हमें समझ में आएगा कि हमको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बक और एलडीओ सप्लाई जो हमारी बनाई गई है, इस बक और एलडीओ सप्लाई को हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शील्ड उतारेंगे और फिर हम वन बाय वन जो है इसकी सप्लाई को हम चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मोबाइल के पीसीबी को खोल लिया है और इसका शील्ड जो है यहाँ पे इसके नीचे जो है यहाँ पे कॉयलें दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले हम उन कॉयल को उनका लोकेशन वगैरह शील्ड उतार के हम देख लेते हैं और फिर हम पीसीबी लेआउट में देखेंगे कि पीसीबी लेआउट में कौन कौन सी कॉयल पे हमें कितना कितना सप्लाई मिलेगा। तो ये सारी चीज़ जो है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम इस शील्ड को उतार लेते हैं। दोस्तों जब तक ये शील्ड उतरता है तब तक एक दो बातें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो उसमें अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर से करें, अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो भी हमें बताएं कि हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो आपको पसंद आए ऐसा कुछ कंटेंट हम डालें इस पर। जनरली रिपेयरिंग में बहुत सारे फ़ोन आते हैं लेकिन कुछ फॉल्ट जो होते हैं वो जनरली बहुत ही नॉर्मली मतलब आईसी वगैरह रिवॉल्व करने से जो है वो बन जाते हैं, इसलिए उसके वीडियो तो मैं बनाता हूँ लेकिन वो मैं डालता नहीं हूँ। लेकिन जब कुछ अल्टी मतलब कुछ अलग दिखता है तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे वीडियो आपको दूँ जो आपको और कहीं देखने को ना मिले। तो ऐसा ही कुछ जो है वीडियो वो आज का जो वीडियो है उसमें भी आपको कुछ ऐसी नई चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक कमेंट हमें करते रहिएगा। और अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो नंबर मेरा दिया हुआ है अबाउट इन्फो के अंदर, आप हमारी चैनल के अंदर वहां से आप कांटेक्ट करके आप हमें फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे करना है। अगर आपका हैंड स्किल सही है तो आपको ऑफलाइन आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे ऑनलाइन कोर्स से ही आप जो है वो सारी स्कीमेटिक की नॉलेज जिसमें एक एक आईसी की एक एक पिन कैसे काम करती है ये पूरा डिटेल जो है आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर मिल जाएगा जो कि तकरीबन 100 आवर्स के ऊपर का कोर्स है। तो अगर ऐसी कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप हमें बताइएगा। देखिए शील्ड जो है वो धीरे धीरे उतर गया है, काफ़ी लोग जो है वो शील्ड उतारने के अंदर बहुत सारा डैमेज कर देते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो इसका सर्विस मैनुअल है उसके साथ जो इसका लेआउट जो है वो दिया गया है और लेआउट के अंदर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये सारी की सारी बक कॉइलें हैं। एक बक कॉइल है जो यहाँ पे है एल 5006 है वो यहाँ पे है, बाकी की सारी जो लाइन है वो 4 बक कॉइल है वो यहीं पे नीचे है। हम सर्विस मैनुअल में दोबारा देख लेते हैं, जो इसका नंबर है एल 5001 से लेके 5006 तक है, यानी कि ऐसे देखा जाए तो ये 5 बक कॉइल है जिसका वोल्टेज जो है हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लेआउट के अंदर देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो अलग अलग कॉइल है, एल 5006 है,
ये 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, लेकिन हम लाइन टू लाइन इसमें चेक करते जाएंगे और हमें जो वोल्टेज देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे उसको भी मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी जो 5006 है वहाँ पे 2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे और जो इसका 4 है उस पर 1.35 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 7575 वोल्टेज है सब जगह पे, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्टेज जो है हमें देखने को मिलेंगे। जो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे वन बाय वन, और इसके जो वोल्टेज है इसको मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी सप्लाई जो है वो बन रही है, कौन सी नहीं बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पहले चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी देखो हम चेक कर रहे हैं एक एक बक कॉइल को। देखिए यहाँ पे सही वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे भी सही आ रहा है, उसका आउटपुट भी बन रहा है, परफेक्ट है। यहाँ पे भी इनपुट बन रहा है, ये आउटपुट के लिए जो वोल्टेज है ये भी निकल रहा है। इसमें मल्टीमीटर में थोड़ा डिले चलता है क्योंकि वाईफाई से कनेक्टेड है, और ये भी बन रहा है यहाँ पे 1.35, यानी कि ऑलमोस्ट सभी कॉइल के बन रहे हैं 1.35, ये इनपुट बन रहा है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट है, आउटपुट यहाँ पे नहीं बन रहा, यानी कि ये बक कॉइल जो है ये आउटपुट नहीं निकाल रही है। फिर से हम देख लेते हैं एक बार, तो दोस्तों ये बक कॉइल जो है ये ही खराब है। तो मेरे पास दूसरा बोर्ड पड़ा हुआ है उसमें से हम बक कॉइल पहले तो डाल के देखेंगे, इसके बाद जो है हमारी सप्लाई सारी बन जाती है या नहीं बन जाती है हम ये चेक कर लेते हैं। दूसरा सेम टू सेम बोर्ड पड़ा है, इसके अंदर से हम एक बक कॉइल निकालेंगे और इसके अंदर डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसकी जो सप्लाई बन जाती है और हमारा फोन ऑन हो जाता है नहीं, वरना फिर हम जो है इसके स्टेप जो है हम आगे फॉलो करेंगे, यानी कि इसके आगे के स्टेप जो है वो हमको फॉलो करना है। दोस्तों अगर कोई पेस्टेड आईसी अगर बाजू में लगी हुई है और अगर आप कंपोनेंट को उठा रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ पे थोड़ी पीपीडी अप्लाई करके उसका लो टेम्परेचर करके फिर कंपोनेंट को उठाए तो बेटर है। लेकिन यहाँ पे जो आईसी है S318 ये एकदम खुली हुई आईसी है, इसमें कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि कंपनी का जो सोल्डर होता है वो थोड़ा उसका डिग्री जो होता है वो हाई होता है, तो उसके लिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस कंपोनेंट को निकाल के फिर हम दूसरे बोर्ड में डाल के देख लेते हैं। ये हमने स्क्रैप बोर्ड में से निकाल लिया, इसको रख देते हैं साइड में, और जो हमारा बोर्ड है वो हम ले लेते हैं। इसमें यही वाली जो पहली वाली कॉइल है यही खराब है, तो इस कॉइल को हम निकाल के इसको भी रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा फ्लक्स अप्लाई कर देते हैं पहले, ओके। ये निकल गई, अब उसकी जगह पे हम दूसरी वाली जो है उसको लगा देते हैं। वो वाली हमने साइड में ही रखी है अभी, जो खराब निकाली हमने, और दूसरी जो हमने दूसरे बोर्ड में से निकाली थी वो इसमें लगा दिया। ये हो गया, अब इसको थोड़ा हम क्लीन कर लेंगे और फिर जो है हम इसको पहले ऑन करके देखते हैं एक बार कि ऑन हो जाता है या नहीं, फिर हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। इसको हमने प्रॉपर क्लीन कर दिया है,
अब हम इसको बोर्ड में लगा के देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा मोबाइल है ये बिल्कुल ऑन हो गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हम भी नए नए वीडियो लेके आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।